Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, Haridev Joshi, Government Girls College, Barcelona. आज हम पढ़ेंगे BSc Second Year के पेपर इकोनॉमी बॉटनी में शुगर इंडस्ट्री एवं शुगर प्रोसेसिंग. शुगर केन की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, तो स्टार्ट करते हैं शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में. भारत में शुगर केन इंडस्ट्री सेकेंड नंबर पे है एग्रो इंडस्ट्री में, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि आधारित इंडस्ट्री में ये सेकेंड नंबर पे है. पहले नंबर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. पहली जो शुगर मील है वो 1784 में एस्टेब्लिश हुई थी भारत में. इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में सिचुएटेड है, क्योंकि जो यूपी है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है शुगर केन का. यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके कॉम्पिटिशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो हमारी हो जाएगी शुगर केन इंडस्ट्री. सेकेंड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट शुगर मिल कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, तो वह 1784 में एस्टेब्लिश हुई थी बिहार में. थर्ड क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ सिचुएटेड है, वो है कानपुर में. यहाँ पे इसमें ऐड कर लीजिए यूपी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है शुगर केन का. फोर्थ वन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आता है कि शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो वो है कोयम्बटूर में तमिलनाडु में. कंफ्यूजन मत होना कि सोचो शुगर केन यूपी में सबसे ज्यादा होती है तो ब्रीडिंग स्टेशन वही होगा, ये कोयम्बटूर में है. ये जो शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन जो है कोयम्बटूर में, उसी ने जितनी ज्यादातर जो वैरायटी है शुगर केन की इंडिया में 90% जो शुगर केन की हाइब्रिड वैरायटी है वो इसी कोयम्बटूर वाले संस्थान ने बनाई है, जिसमें से मैंने दो इम्पोर्टेंट लिखी है. यहाँ पे सीओ है कोयम्बटूर के लिए 419, सेकेंड है कोयम्बटूर 658. ये शुगर केन की हाइब्रिड वैरायटी. अब हम आते हैं शुगर केन प्रोसेसिंग. शुगर केन प्रोसेसिंग से क्या मतलब है बच्चों, जो शुगर केन की जो स्टेम हमने ली, फार्मर शुगर केन की हार्वेस्टिंग करने के बाद में खेत से उसको कहाँ लेके जाएगा, शुगर केन मिल्स में लेके जाएगा, तो किस तरीके से हमें चीनी और बाकी बाय प्रोडक्ट जैसे बेगेसिस मोलासिस जिसको हम सिरा बोलते हैं, और शुगर केन जो है वो अल्कोहल बनाने के लिए भी काम आती है. तो शुगर केन की प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, इसमें दो स्टेप्स हैं. पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, मतलब रस का हम निकालेंगे, जो स्टेम होगी उसमें जो शुगर का जो शुगर केन के गन्ने का जो रस होगा पहले वो करा जाएगा, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा जूस का. सेकेंड बाद में जो जूस हमें ऑब्टेन हुआ है उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, मतलब उसको साफ करेंगे. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस में क्या होता है, जो स्टेम हमने कलेक्ट करी है स्टेम बड़ी बड़ी होंगी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा. उसके बाद में जो मील्स होती है उनमें स्टील के रोलर्स होते हैं, उस स्टील के रोलर में शुगर केन के स्टेम्स को डालेंगे और हमें फ्रेश केन जूस मिलेगा गन्ने का रस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, स्टेम जो होगी उसको रोलर्स में डालेंगे, स्टील के बहुत बड़े बड़े रोलर होते हैं उसमें डाला, और उसके एक्सप्रेशन से हमें फ्रेश केन जूस मिल जाएगा, गन्ने का ताजा रस जो कि हरे कलर का होता है. उसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोई, इंग्लिश में बोलते हैं बेगेसिस. तो पहला जो बाय प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट स्टेप में मिलता है हमें स्टील रोलर से. तो ये बेगेसिस जो होते हैं ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल, इसको आजकल बायोफ्यूल के रूप में यूज में लिया जा रहा है. कई प्लांट्स भी ऐसे हैं जो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम में लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब हमें फ्रेश केन जूस मिल गया, इसका हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, इसका शुद्धिकरण करेंगे. इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं. पहला जो स्टेप है प्यूरिफिकेशन का उसको हम बोलते हैं क्लेरिफिकेशन, स्वच्छन. दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है इवोपरेशन, वाष्पीकरण. थर्ड है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन. फोर्थ वन है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे उनका हमें अलग करना है, उसको बोलेंगे हम क्रिस्टल पृथक्करण. लास्ट स्टेप जो होगा वो ये है रिफाइनिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, जो हमें शुगर के जो क्रिस्टल्स मिले हैं उनको हम साफ करेंगे, क्योंकि जो रॉ शुगर होती है वो ब्राउन कलर की होती है और जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में वो शुगर व्हाइट कलर की होती है, तो वो रिफाइनिंग से होती है, उसमें हम चारकोल कार्बन का यूज करते हैं. तो लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, परिष्करण एवं पुनः क्रिस्टलीकरण. प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस, रस का शोधन, उसके पहला स्टेप है क्लेरिफिकेशन. क्लेरिफिकेशन को बोलते हैं श्वसन. इसमें क्या करेंगे, जो जूस हमें ऑब्टेन हुआ है फ्रेश जूस स्टील मिल्स के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, उसमें जो घुलनशील व अघुलनशील दो तरीके की इम्प्यूरिटीज होती हैं, सॉल्युबल व इनसॉल्युबल उस जूस के अंदर,
तो सोल्यूबल तो वो होती है जो कि उसमें घुल जाती है, इनसोल्यूबल उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है। इन दोनों इम्प्योरिटीज को हमें इस प्रोसेस क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस में हमें उनको रिमूव करना है। तो जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं उनके लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, पहला है सल्फाइटेशन, दूसरा है कार्बोनेशन। इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, जो जूस जो हमारा होता है फ्रेश जूस गन्ने का, उसके अंदर हम सल्फाइटेशन में सल्फर डाइऑक्साइड व चूने का पानी जो होता है लाइम वाटर उसको उस केन जूस के अंदर फ्लो करते हैं, और कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करा जाता है जूस के अंदर, जिसके कारण जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, घुलनशील जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में या फॉस्फरस के फॉर्म में होती हैं, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, प्रक्षेपित हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स बन जाते हैं उसके। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको तो हम मैकेनिकल सील जो होती है, यांत्रिक छन्नियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो जूस होता है उसको छान लेते हैं, जिससे कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर आ जाती है। और ये क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स बन गए तो ये भी आराम से मैकेनिकल सील से इनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो क्लेरिफिकेशन प्रोसेस में दोनों तरीके की इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, सॉल्युबल व इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इसके बाद में जो हमें जूस मिलेगा वो कहलाएगा क्लेरिफाइड जूस, मतलब स्वच्छ रस। उस स्वच्छ रस को हम इवोपरेशन करेंगे, उसका वाष्पीकरण। इसके अंदर वाष्पीकरण में बड़े बड़े इवोपरेटर्स होते हैं मिक्स में, उस इवोपरेटर में हम अपने क्लेरिफाइड जूस, जो हमारा स्वच्छ जल होता है उसमें लगभग 85% पानी की मात्रा पाई जाती है, इनको हम बड़े बड़े इवोपरेटर, इस तरीके से इवोपरेटर्स होते हैं इक्विपमेंट्स, उसके अंदर क्लेरिफाइड जूस को लो प्रेशर पे, कम ताप पे उसको बॉईल करते हैं लंबे समय के लिए, जिससे कि क्या होता है एक गाढ़ा रस मिलता है चाशनी जैसा, उसको हम बोलते हैं मासिक्यूट। मासिक्यूट क्या होता है, एक तरीके से समझिए कंसेंट्रेटेड जूस है, क्योंकि उसमें से जो पानी है बॉईल करने पे पानी चला जाएगा और गाढ़ा चाशनी जैसा द्रव्य प्राप्त होता है, उस द्रव्य को हम बोलते हैं मासिक्यूट। इस मासिक्यूट में 65% सॉलिड भाग होता है, इसमें सॉलिड पोर्शन होता है, एवं 35% इसमें वाटर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्लेरिफाइड जूस था, जो हमें क्लेरिफिकेशन प्रोसेस से मिला था, उसमें 85% पानी की मात्रा थी, जबकि जब उसको इवोपरेटर में इवोपरेशन करते हैं उसका, तो उसमें 35% पानी की मात्रा रह जाती है, और इस गाढ़े चाशनी जैसे रस को मासिक्यूट कहते हैं। थर्ड स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। जो हमें गाढ़ी चाशनी जैसा द्रव्य मिला था उसको हम बोलते हैं मासिक्यूट। इस मासिक्यूट से हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन टैंक या वैक्यूम टैंक जो होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूम टैंक लगे रहते हैं नीस के अंदर, उस टैंक के अंदर, क्रिस्टलाइजेशन टैंक के अंदर इस गाढ़े द्रव्य मासिक्यूट को डाल देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, इस क्रिस्टलाइजेशन टैंक में इसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, साथ में एक लिक्विड ऑब्टेन होगा, उस लिक्विड को हम बोलते हैं मोलासेस यानी कि शेरा। कॉम्पिटिशन में कई बार क्वेश्चन आता है कि मोलासेस जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कौन से स्टेप में मिलता है, तो उसका आंसर हो गया क्रिस्टलाइजेशन स्टेप में हमें शेरा प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल। ये जो शुगर के क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेंड हुए हैं, इनके पास में लिक्विड मोलासेस भी है, अब क्या करना है, इस शुगर क्रिस्टल व मोलासेस को दोनों को सेपरेट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर दोनों को डाल देंगे, इस लिक्विड को, शुगर क्रिस्टल व मोलासेस को, और उसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो 100 से लेके 180 आरपीएम, आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इस पे हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, किससे, मोलासेस, शिरा से शुगर के क्रिस्टल्स अलग हो गए। उसके बाद में जो हमें शुगर के क्रिस्टल मिले हैं, चीनी के जो दाने मिले हैं, उनको हम 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी से उनको अच्छे से साफ करते हैं, तो इससे जो हमें चीनी मिलेगी वो मिलती है ब्राउन शुगर। आजकल ब्राउन शुगर मार्केट में बहुत डिमांड में है, क्योंकि जो ब्राउन शुगर होती है उसमें रिफाइनिंग नहीं होती है, और रिफाइनिंग में क्या होता है ना, केमिकल यूज करते हैं, इसलिए ब्राउन शुगर ज्यादा अच्छी मानी जाती है, मगर लोगों को वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं रिफाइनिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। इसमें जो हमें ब्राउन शुगर मिली है उसको हम बार बार पानी से धोते हैं पहले स्टेप में,
उसके बाद में उसमें कार्बन से उसका डीकलरेशन करते हैं। डीकलरेशन मतलब जो इसमें ब्राउन कलर लगा हुआ है उसको हमें साफ करना है और हमें शुगर मिल जाएगी व्हाइट क्रिस्टल जैसी, व्हाइट कलर की व्हाइट क्रिस्टल शुगर मिल जाएगी। उसके बाद में उस शुगर को हम रोटेटरी ड्रायर्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रायर्स लगे रहते हैं मिल्स में, उनको रोटेटरी ड्रायर्स बोलते हैं, उसमें इन चीनी के दानों को अच्छे से सुखा के इनकी पैकेजिंग करके मार्केट में इनको भेज दिया जाता है। तो ये सारे स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। शुगर केन प्रोसेसिंग में दो स्टेप हो गए, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूसेस, पहले जूस निकालेंगे, उसके बाद में प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस करेंगे, जूस का प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन के ये पांच स्टेप थे, पहला था क्लेरिफिकेशन स्वच्छन, उसको अच्छे से साफ करेंगे, क्लेरिफिकेशन करेंगे उसका, उसके बाद में इवोपरेशन करेंगे, इवोपरेशन के बाद में क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन के बाद में क्रिस्टल्स को सेपरेट करेंगे, एंड लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। थैंक यू सो मच।